गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। सबसे पहले तो समय पर आपको ये क्लास नहीं मिल पाई उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, एक वीडियो भी अपलोड किया था वो भी कुछ टेक्निकल इशू के कारण उसको भी अनलिस्ट करना पड़ा है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। आज की इस क्लास में मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ इन सारे चैप्टर्स का निचोड़। निचोड़ का मतलब मेरे पास कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो कि इन चैप्टर्स का निचोड़ कहलाएंगे, सारे के सारे चैप्टर। तो अगर आप ऐसी क्लासेस को, मेरी इस क्लास को सही ढंग से पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए आप जो अपने नंबर का एक दायरा बांध कर चल रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। ठीक, तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए। एन सबसे बड़ी संख्या है जो कि प्रत्येक स्थिति में 26, 65, 31, 84 और 37, 03 को समान शेषफल के साथ विभाजित करती है। एन में अंकों का योग क्या होता है? ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, हम इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 14 में से 5 9 आ जाएगा, यहाँ पर 7 में से 6 1 आ जाएगा और 31 में 26 5 119 आ जाएगा। अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा 13 में 4 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में 8 1 होगा, 37 में 36 36 में 31 जाएंगे 5, यानी कि डिफरेंस हर बार 519 आ रहा है। तो आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हो समझ कर थोड़ा सा कि 519 वो संख्या होगी जिससे अगर मैं 26, 65 को 31, 84 को या 37, 03 को डिवाइड करता हूँ तो हर दशा में शेषफल 7 बचेगा, शेषफल सेम बचेगा। अब मैं देख जानना चाहूँ कि अगर शेषफल जैसे बचता क्या, तो मैं 519 से किसको डिवाइड कर लेता हूँ, 26, 65 को। तो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास 5 बार में डिवाइड करने पर काम बनेगा, तो 5 × 5 = 25, 2500, 19 × 5 = 95, यानी कि 2595 ये बचेगा। तो अब अगर मैं इसका शेषफल देखूँ तो अपने पास शेषफल आ जाएगा कितना, 70। तो अगर आप 519 से इन तीनों में से किसी को डिवाइड करते हैं तो शेषफल आपके पास हर कंडीशन में 70 ही आएगा, 70 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि हमारे पास जो संख्या है ना वो 519 है। क्या है? 519। अब आपसे कह रहा है ये संख्या जो है ये n थी, n आ गया 519, n के अंकों का योग पूछ रहा है, 9, 1, 10, 5, 15, अंकों का योग क्या मिल जाएगा, 15। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इतना सरल सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। दो संख्या का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना होता है। बहुत सिंपल सी बात है, एलसीएम जो है एचसीएफ का कितने गुना है, 12 गुना है। आइए, एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है तो 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं एचसीएफ में करूंगा तब वो एलसीएम के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों का जो योग है 403 है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का जो सम है वो है 403। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं एलसीएम की जगह अगर 12H रख देता हूँ, एल की जगह 12H रख दूंगा तो ये 13H हो जाएगा और इसकी वैल्यू है 403। तो आप बताइए HCF क्या आ जाएगा, 13 × 3 = 39, 13 × 1 = 13, HCF इतना आ गया। तो LCM कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 × 31 जो होगा वो LCM हो जाएगा। मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा सा सब्र रखो। एक संख्या 124 है, दूसरी क्या होगी? तो आपको पता है LCM × HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। LCM कितना, 12 × 31, HCF कितना, सिर्फ 31। इसमें से पहली संख्या आपको पता है 124 और आपको दूसरी संख्या निकालनी है। सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं होगी। 4 बार में ये कट गया, 4 से 3 बार में इसको काट लिया, तो 31 गुणे अगर मैं 3 करता हूँ तो अपने पास 93 आ जाता है, यानी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 93। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तेजी से इन सवालों को बड़ी आसानी से किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8000 रुपये की विशिष्ट राशि पर अर्जित, मैं इसको अजीत पढ़ने वाला था, अर्जित चक्रवृद्धि जो ब्याज है वो एक सही 1/4 वर्ष के लिए 12% की दर से 5 मंथले के हिसाब से संयोजित होता है, तो ब्याज क्या होगा? अब एक सही 1/4 वर्ष का मतलब 15 महीने होता है, कितना होता है, 15 मंथ, 15 महीने। ठीक, और अगर ब्याज 5-5 महीने के पेयर में मिलता है तो इसमें 5-5 महीने के कितने पेयर होंगे, आप कहोगे 3, यानी जो समय कंक्लूड करेंगे वो अपने पास 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। बहुत साधारण सी बात है, कैसे यहां से। अच्छा, अब एक चीज समझना है, अगर ब्याज 5 मासिक संकलित होता है, ये कभी क्वार्टरली भी पूछ लेता है, कभी 1/4 भी पूछ लेता है, कभी हाफ ईयरली भी पूछ लेता है, यहां पर देखते हैं तो 12 महीने के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, 12 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12, तो आप ही बताओ 5 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रही होगी, यानी ब्याज की दर क्या होनी चाहिए, 5%। तो सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हो गई 5%, समय हो गया 3, 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, 20 की चीज 21 पर, 1 साल में 3 साल में 20 का क्यूब बटे 21 का क्यूब बटे 21 का क्यूब,
तो 20 का क्यूब तो 8000 हो गया, और 21 का क्यूब क्या होता है, 9261 होता है। अच्छा, हमारा मूलधन ही 8000 था, यानी ये बात सेटिस्फाइड हो गई कि 8000 रुपए 9261 बन जाएंगे। तो देखिए ब्याज कितना मिलेगा, आप कहोगे सर जी ब्याज जो मिलेगा वो 1261 रुपए मिल जाएगा, कितना सरल था। इसी बात को तो समझना था, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आसानी से सवाल होगा। अब इसको आप दशमलव के में बनाओ या किसी भी तरीके से बनाओ, उसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ये लीजिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। वर्गाकार टाइल की भुजा इतनी है, 12 मीटर लंबे और 5 मीटर लंबे चौड़े फर्श के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ऐसे सवाल जब भी आप कर रहे हो दो चीजों को बहुत ध्यान से देखिएगा, पहला यूनिट क्या है और दूसरा वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है। तो जो क्षेत्रफल में टाइल बिछाया जाना है वो कितना है, 12 गुणे 5 मीटर का, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो 100 इस वाले मीटर का सेंटीमीटर और 100 इस वाले मीटर के सेंटीमीटर के लिए, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 8 गुणे 8। अब ये सवाल आपका खत्म हो गया भैया, 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, फिर 4 से 25 बार, फिर 4 से 2 बार, 2 दूनी 4 से 3 बार। बात समझिएगा, 25 गुणे 25 625, इधर लिखते हैं 625, और 5 गुणे 3 15। तो हम ये देख पाए कि 15 छक्का 90, 9000 तो सीधा हो गया, और 15 गुणे 5, 15 गुणे 25, 375, यानी कि 375 और हो गया। तो हमने कहा कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, 9375 टाइल्स की जरूरत पड़ेगी। बताइए कौन सा ऑप्शन है। तो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा था कि नहीं था। सब लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि सवालों को करने का स्टाइल आपको पसंद आता है, लाइक ठोक के करना बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बात है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AB 7 है, BC 9 है, AC 8 है, अन्य विकर्ण की लंबाई बतानी है, दूसरा जो विकर्ण है उसकी लंबाई बतानी है। ABCD समांतर चतुर्भुज है, लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज, बहुत ध्यान से समझना। AB 7 है, BC 9 है, AC 8 है, AC कहाँ है, AC 8 है, ये 8 है। आपसे क्या कह रहा था, कह रहा था जो दूसरा विकर्ण है इसकी लंबाई बताओ, ये वाला जो विकर्ण होगा DB, ये इसकी लंबाई बतानी। तो समांतर चतुर्भुज में विकर्णों और भुजाओं के बीच का संबंध पता है, नहीं पता है, लिख लो। जैसे यहाँ पे दूसरा विकर्ण पूछा था, संबंध नहीं पता है, लिख लो भाई। 2, इसको मैं A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ, ठीक, समझना A और B, 2A2, ठीक, 2A2 प्लस 2B2 और प्लस, ध्यान से सुनना, सिर्फ D1 square। अब बताइए क्या मिलेगा रूट के अंदर। A2 का मतलब 7 × 7 49, 49 × 2 = 98, B2 का मतलब 81, 81 × 2 = 162, और D1 square कितना दिया था, D1 square 8 था, 64। मैं क्या बोला, अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 यहां पर दे दूं 100 हो जाएगा, 2 इसको दे दूं 100 हो जाएगा, हो जाएगा। या तो सीधे सीधे जोड़ लो, 8 × 2 = 10 = 14 = 4, हासिल लगेगा 1, 7 × 6 = 13, 13 × 9 = 22, ठीक, इतना आया। अब बात यह आती है कि इससे अपना काम कैसे बनेगा, ठीक, इससे अपना काम कैसे बनेगा। अगर बी स्क्वायर है ना तो 4 का हो जाएगा ये भी, तो ओ शिट, आप ऐसे फॉर्मूला, ये 2A2 में जो स्क्वायर है ये दोनों पर है, चलो फिर से लिख लो सही ढंग से, इस वजह से गलती होगी ना, तो इसको फिर से लिख लो, इधर लिख दूं काम बन जाएगा, इधर लिख लो, देखो अब लिखो, अब लिखो और सही से उत्तर निकालने का कोशिश करो। 2 ऑफ A2 प्लस 2 ऑफ B2 और प्लस D1 square, ठीक, ये बात समझ में आई, और ऊपर क्या लगा था रूट, अब उधर लिखो इधर लिखो एक ही बात है, ठीक। A square, अगर मैं इसको A मानूंगा तो 7 × 7 = 49 × 98, यही लिखा था क्या, यही तो लिखा था ना, प्लस B square, ठीक है फिर 81 × 2, हो सकता है मेरे दिमाग से उतर गया हो। और अगर मैं पहले विकर्ण की बात करता हूँ तो 8 का स्क्वायर मित्र क्या मिलेगा, 64।
अब अगर आप सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने से पहले याद रखेंगे जो फॉर्मूला होता है इसमें जो विकर्ण होता है पहला वाला, इस चीज को याद रखिएगा, ये अक्सर गलतियां होती हैं। इसमें जो पहला विकर्ण होता है, भुजाएं तो हमने जोड़ कर रख ली, 2a² + 2b², ये भुजाएं जोड़ कर रख ली, दो गुना कर लिया, लेकिन ये जो पहला वाला विकर्ण है इसको माइनस करते हैं, क्या करते हैं माइनस, तो ये होता है d² माइनस का, लेकिन किसका, माइनस का, ये चीज याद रखनी है। ये फॉर्मूला लिखने में गलतियां होती हैं अक्सर, हमसे भी हुई है क्या, वो देखो है d² तो ये माइनस का 64। अरे हट जा भाई, अब बताओ फटाक से आंसर, 98, 2, 16, 162, बताइए फटाक से क्या मिलेगा। आप कहोगे 8, 2, 10, 8, 2, 10, 0, 1, 16 और 9, 25 और 1, 26, 260 - 64, तो आपके पास आएगा 196, और 196 का वर्गमूल क्या बनता है, 14। तो आप कहोगे जो दूसरा वर्गमूल, जो दूसरा विकर्ण आएगा, यानी कि ये डॉट वाला, वो कितना आ जाएगा, 14। ऑप्शन नंबर ए आंसर। इसके फॉर्मूले को मैं फिर से बोल देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको सही से लिखना, क्योंकि लिखने में और याद करने में इसमें दोनों में दिक्कत होती है, जैसे अगर हमें हुई तो मैं ये कहता हूं कि आपको भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट कहाँ गया अगला सवाल, आए हैं, वाह जी वाह, चलो ये सवाल समझ में आ रहा ना, ये ऐसा लिखा है, √x + 1/√x = √3, ये ऐसा लिखा है सवाल, ठीक ऐसे करके है, आगे आपसे कह रहा है x³ (x³ - 970, सिंपल है, x से x³ तक पहुंचने का सफर तय करिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो आपको मिलेगा x + 1/x, और सफर यहां पर तय होगा तो 12, 12 में से 2 - 10, बहुत सरल सी बात थी, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इस x से x³ तक पहुंचने का सफर तय करता हूं, तो x³ + 1/x³ क्या मिलेगा हमको, बोले सर 10³ यानी कि 1000 और -3×10 यानी कि सर ये मिल गया 970, क्या मिल गया 970, डायरेक्ट लिखे 970, बोले हाँ सर 970 मिल गया, ये बात तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, पक्का ना। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मेरे को x³ - 970 और बाहर x³ चाहिए था, तो मैं क्या बोला, मैंने ये कहा कि मैं इस x³ को इधर माइनस कर लेता हूँ, तो अपने पास इधर क्या बचेगा 1/x³, और यहां पर क्या आ जाएगा 970 माइनस का x³, ये आ जाएगा। अच्छा मैं क्या देख पा रहा हूं कि मुझे x³ - 970 चाहिए था, ये उल्टा लिखा है, और माइनस बाहर कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/x³, और ये हो जाएगा x³ - 970, हो जाएगा, बोले हाँ सर। अब क्या है सर, बाहर भी तो x³ है, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों तरफ x³ से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी x³ से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर सिर्फ -1 बचेगा और इधर क्या आ जाएगा x³ और ब्रैकेट में x³ - 970, यही तो पूछा था, कितना आ गया -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, क्लियर है। चल नेक्स्ट देखते हैं, 16π इकाई लंबाई वाला एक चाप 240 डिग्री का कोण बनाता है, कितने डिग्री का, 240 डिग्री का, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी इकाई में, समझना थोड़ा सा समझ लो, एक वृत्त के केंद्र पर बनता है एंगल 360, और यहां पर ये जो चाप बना रहा है, ये बना रहा है 240 डिग्री, जिसकी लंबाई कितनी है 16π। मैं ये कह रहा हूं कि जब वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, तब वृत्त की परिधि होती है 2πr, लेकिन यहां पर एंगल बन रहा है 240 डिग्री, तो ये कितना पार्ट ले रहा है उस परिधि का, 16π, बराबर में 16π। आपसे क्या पूछा है, त्रिज्या, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 6 से काट दो, बल्कि 12 से काट दो, 3 और 2। मैं क्या देख पा रहा हूं कि इधर है 3/2 और इधर है 2r/16, 2r/16, 2 से काटेंगे 8, 2 से काटेंगे 4, तो r बराबर 12 आ जाएगा, यानी जो रेडियस होगी वो कितनी आ जाएगी, 12। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन, बी। नेक्स्ट चलिए जी, थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा तेजी से करेंगे, आपको अब प्रैक्टिस हो रही होगी इन सब चीजों की, तो थोड़ा तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है, मैं क्या बोला, ये राहुल है और ये रोहित है, अगर राहुल का वेतन 50% अधिक है तो मैंने रोहित के वेतन को 2 कर दिया तो राहुल का 3 हो गया, सिंपल सी बात है।
यदि राहुल 2250 रुपए की बचत करता है जो कि उसके वेतन का 8% है, कौन राहुल इधर पे आता है, ये क्या करता है 8% सेव करता है, ये इसके वेतन का कितना परसेंट है 2250 रुपए के बराबर है, कितने परसेंट के 2250। अगर मैं आपसे कहूं कि 8% है तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, आप कहोगे 2/25 ऐसे करके लिख सकते हैं सर, बस काम खत्म हो गया, तो इसको आप लिख लीजिए 2/25, यानी 2 का मान 2250 है तो 25 का कितना होगा, ये बात है, तो आप देखो 2 से काट लीजिए 1125, यानी राहुल का जो टोटल वेतन होगा वो होगा 1125 × 25, ठीक है, और ये किसके बराबर है 3 यूनिट के, आपने कहा 3 यूनिट का मान इतना है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या कहूंगा, 3 से डिवाइड कर ले, 3 × 9 2 बचेगा, 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, क्या पूछा है, कहता है रोहित का वेतन क्या होगा, यानी 2 की वैल्यू चाहिए, तो आपने क्या करना है 375 × 25 × 2, बस सिंपल सी बात थी, 25 × 2 = 50 सीधे कर लो, क्या कर लो 50 0 25 5 2 5 7 35 2 37 3 5 3 15 और 3 18, कितना हो जाएगा 18750। और ये सवाल बच्चों को कठिन लगता है, कहते अरे दादा इतनी लंबी कैलकुलेशन, अरे मैंने कैलकुलेशन की ही कहा, मुझे तो जो डिजिट और जो संख्याएं मिलती गई मैं वही लिखता गया, मैंने कहा कि मैं कैलकुलेशन को सबसे बाद में करूंगा, मैंने नहीं करी कैलकुलेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपको बिना चीजें लिखनी है लेकिन वो भी बिना कैलकुलेट किए सब कुछ लिखता गया, मैं आखिरी में आया मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया सवाल खत्म हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई को 20% के लाभ पर जूते बेचता है, 20% एक्स वाई को 20% यानी कि 6/5, 20% का मतलब 6/5 पर जूते बेचता है, वाई उसी जूते को जेड को 23% के लाभ पर बेचता है यानी कि 123/100, यदि जेड जूते के लिए 3321 रुपए पे कर देता है, 3321 रुपए पे करता है, कौन जेड, तो एक्स ने कितने के जूते लिए, बहुत साधारण सा सवाल है देख लेते हैं, 2 से काटिए 3 बार, 2 से काटिए 50 बार, मैं बोला आगे देखते हैं, 3 से काट लीजिए 3 × 3 = 3 और यहां पर देखिए 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, अब अगर मैं इसको 123 से काटूंगा तो ये 9 बार में पूरा पूरा कटेगा, मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास क्या आएगा 25 × 50 × 5, ये हो गया 250 और इधर पे 9, तो 25 × 9 = 225 होगा और एक जीरो और था, कैलकुलेशन को देखो भाई, तो 2250 रुपए का जूता होगा जिसको इतना जो पे करेगा वो कौन करेगा, एक्स, खत्म हो गया सवाल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जो कि आपको कठिन लगे, ठीक है नेक्स्ट, आरोही क्रम में किस लगाने पर क्या मिलेगा, तो मेरे पास जो फ्रैक्शन है 2/9 5/8, मैं देखता हूं कि सबसे छोटी कौन सी है, क्या क्या है 2/9 है, 5/8 है, 1/3 है, 3/4 है, मैं देखता हूं सबसे छोटी कौन है, मैं इन दोनों को देखूं तो 8 × 2 = 16, 9 × 5 = 45, ये बड़ी हो जाएगी, मैंने इन दोनों को चेक किया पहली और तीसरी को, तो 3 × 6 9 × 9 फिर ये बड़ी हो गई, मैं अगर इसको इसको चेक करता हूं तो 4 × 8 हो जाएगा, 9 × 3 = 27, मतलब ये जो तीनों है ये सबसे बड़ी है 2/9 से, तो 2/9 सबसे छोटी होगी, तो सबसे पहले आएगी 2/9, काम खत्म, अब उसके बाद देखते हैं क्या आएगी, 2/9 आएगी तो मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ऊपर वाले में बचा है, अब एक चीज और कंफर्म हो गई, देखो इन दोनों में 1/3 तो आना ही आना, तो मैंने 2/9 के बाद सीधे 1/3 लिख देना है, आप ये भी अंदाजा लगाइए कि अब आपको 1/3 के लिए मेहनत नहीं करनी थी, अब आप सिर्फ ये देखो कि इन दोनों में 5/8 और 3/4 में बड़ा कौन है, बस 4 × 5 = 20 8 × 3 = 24, ये बड़ी है, यानी इसके बाद क्या आएगा 5/8 आएगा और उसके बाद 3/4 आएगा, तो सबसे छोटी उससे बड़ी सबसे बड़ी, तो 2/9 1/3 5/8 3/4 ऑप्शन नंबर पहला ये भी खत्म किया जाएगा, ठीक नेक्स्ट, कहां पर मेहनत करनी है कहां पर नहीं करनी है चीजों को समझना है, ठीक है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि की गणना कीजिए, अरे ये तो ऐसे ही हलवा सवाल आ जाता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया है कई बार 36/7 होता है, याद है कैसे आता है देख लो, ये भी समझो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर
और ब्रैकेट में 2r, ये बात आपको पता है। r कॉमन करिए, पाई का मान 22/7 और ये 2 है, 7 × 2 = 14, 22 = 36, 36/7 है, ठीक। तो इसलिए आप याद रखिए कि अर्धवृत्त का अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ, किसकी, अर्धवृत्त के परिमाप की, तो क्या होता है, 36π/7 × r, यानी कि अगर त्रिज्या 7 है तो परिमाप 36 होना चाहिए, मुझे दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। आपने ये पढ़ रखा होगा मेरे दोस्त, याद रखो, आपने ये पढ़ रखा है कि अगर किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि 44 होती है और उसका क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है वो 154 होता है। उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 154। मैं इसी दोनों का इस्तेमाल करता हूँ। यहां पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 77। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर 77 है तो पूरे वृत्त का ये होगा, और अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये हुआ तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7। और अगर मैं यहां पर 7 रख देता हूं इस आर की जगह, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी परिमाप क्या आएगा, 36। याद आया, ये चीज समझ में आई, मजेदार प्रश्न था ये, अच्छे अच्छे झूल जाएंगे, आपको ये चीज याद रखनी है, प्लीज लर्न इट और सीखो इन चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा, वाह जी वाह, माध्यिका भी चाहिए और उसके बाद बहुलक भी चाहिए और फिर उसका माध्य भी चाहिए, ये दोनों बातें। इस क्वेश्चन का आंसर होमवर्क है, सभी लोगों को कमेंट करना, और ये बहुत सरल चीज है यार, माध्यिका निकालना, बहुलक, बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आए, क्या आएगा सबसे ज्यादा बार, उसको चेक कर लो, वो बहुलक हो गया। उसके बाद माध्यिका, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, अगर सम आता है तो बीच का पद और उससे एक आगे वाला पद बटे दो, वो माध्यिका। अगर विषम आता है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, मतलब +1/2, काम खत्म। और फिर जब दोनों चीजें आ जाएं, जैसे क्या क्या पूछा, मीडियन आ गई, मीडियन मतलब माध्यिका आ जाए, और बहुलक मतलब मोड आ जाए, तो इन्हीं का माध्य पूछ रहा है, मतलब बटे दो कर देना है, यही आपको बताना है फाइनली आंसर, ठीक। तो होमवर्क में कमेंट करके सभी बच्चे इस सवाल का उत्तर देंगे। नेक्स्ट आप आए है, चलिए जी ये सवाल देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा, सभी लोग फटाफट से, थोड़ा सा समय ले सकते हो इस सवाल के लिए, सभी लोग जल्दी से किनारे हट जाएं, क्या अब कितना किनारे हटेंगे, चलो अच्छा और हटते हैं, और हट जाएं, और हट गए भाई, अब इससे ज़्यादा तो नहीं हट पाएंगे, इतना हट गए बहुत है। चलो बताओ फिलहाल, देखें किसका आंसर आता है, ना आए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसका तरीका नहीं पता है तो लिखिए फटाक से। अगर आपके पास a की पावर +1, a की पावर m+1 दिया हो और दूसरी संख्या जैसे दी हो, मान लो a की पावर n+1 ये दिया हो, और कह दे महत्तम समापवर्तक निकालिए, तो क्या करोगे, गौर से समझना, a की पावर mn, इसका HCF निकाल लीजिए, किसका किसका, m और n का। अब जैसे यहां पर 57 और 133 है, अगर मैं HCF पूछूंगा तो आप कहोगे 57 और 133 का HCF 19 आएगा, क्या आएगा, 19। तो m और n का HCF निकालेंगे तो आ जाएगा आपके पास 19 यहां पर, अगर इस हिसाब से देखेंगे, और आखिरी में प्लस वन रहता है, ये आपका आंसर बनता है। तो 33 और 57 का HCF हो गया 19, यानी कि यहां आप लिखोगे 7 की घात 19 और +1, ये आपका टोटल HCF हो जाएगा, काम खत्म हो गया, समझ पाए, 7 की पावर 19 + 1 ये आंसर हो गया, क्लियर। याद रखिएगा ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एक वर्ग का क्षेत्रफल संख्यात्मक मान उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है, विकर्ण का, अरे भाई ये इतना सरल क्वेश्चन, समझ पाए हो, वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, मैंने वर्ग ले लिया, इसकी भुजा ले ली ए, अगर भुजा ए है तो इसका विकर्ण क्या होगा, √2 होगा, विकर्ण क्या होगा, √2। अब समझो, वर्ग के क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है यानी a² वो इसके विकर्ण यानी कि √2 का आधे के बराबर है, सवाल नहीं खत्म हो गया, आप देखो तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहां से 1/√2 आएगा, ये बात समझ पाए हो, a का मान क्या आ जाएगा, 1/√2, a का मान जैसे ही 1/√2 आप यहां रखोगे तो √2 से √2 जो लिखा है ये क्या हो जाएगा, खत्म, यानी कि जो विकर्ण होगा ये 1 हो जाएगा, यही आपसे पूछा तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, विकर्ण का संख्यात्मक मान, इतना सरल क्वेश्चन, हद। आए अगला सवाल देखिए, एक मूल ये है, मूलों के वर्ग का योग क्या होगा, समझो
मूलों का जो योग होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं बात करूं, यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि ये 4a हो जाएगा और यहां पर a आ जाएगा, a से a कैंसिल। एक मूल कितना दिया है 3/2, दूसरा क्या आ जाएगा बीटा, अगर मैं निकालूंगा इस 4 से तो आप कहोगे बीटा बराबर 4 - 3/2, 4 × 2 = 8, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, 5/2 आ जाएगा। मूलों के वर्गों का योग चाहिए तुमको, यानी कि अल्फा स्क्वायर यानी कि 3/2 का स्क्वायर और प्लस यानी कि बीटा स्क्वायर, तो आपके पास 5/2 का होल स्क्वायर ये चाहिए आपको। ये हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा आपका 25/4, 25 और 9 हो गया आपके पास 34/4, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका 17/2 रह जाएगा। क्या रह जाएगा? 17/2। कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बी? खत्म हो गया सवाल भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, PQRS की भुजा PQ की लंबाई इतनी है और उसके बाद एंगल PQR 120 है, QS की लंबाई क्या होगी? ठीक है, PQRS इसकी भुजा PQ की लंबाई जो है वो 6 है। अगर समचतुर्भुज है तो सारी भुजाएं 6 होंगी। एक एंगल दे दिया है PQR, वो कितना है 120। मान लीजिए PQR ये दे दिया 120 लिख लिया, 120। अगर ये 120 होगा तो ये 60 होगा 60, सिंपल सी बात है। ये 120 होगा तो ये 60 होगा। अब क्या कहता है, QS की लंबाई, QS कहाँ है? QS का मतलब ये वाला विकर्ण की बात है, QS का मतलब ये विकर्ण है, इसकी लंबाई चाहिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत प्यार से समझना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं इस त्रिभुज को नजर देखता हूँ, इस वाले त्रिभुज को अगर मैं देखूँ, तो अगर ये भुजा 6 है तो ये भी 6 होगी। अगर इस त्रिभुज की ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और एक कोण ये 60 का हो गया, तो बचे इन दोनों कोणों का मान 120 में जाएगा और बराबर जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। 60 60 60 से ये बन गया समबाहु त्रिभुज, और अगर ये समबाहु त्रिभुज बन गया तो सिंपल सी बात है कि अगर ये दोनों 6 हैं तो ये भी क्या होगी, 6। तो जो पूछा है ना QS, ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बी इज द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी इज द राइट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा बेहतरीन चीजों के, बेहतरीन कंटेंट के साथ। और हाँ, हो सकता है पॉसिबली कल यानी कि संडे को, संडे यानी कि कल तारीख कितनी है, कल संडे यानी कि तारीख अगर मैं बात करूं तो आज है तारीख 9 10 10 तारीख है आज, तो कल है 11 सितंबर। 11 सितंबर को आपको, संडे को पॉसिबल है अगर मुझे समय रहा और चीजें सही ढंग से आगे बढ़ती रही, तो एक मैराथन क्लास जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा, पूरी की पूरी क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन कंप्लीट करा दूंगा पूरा का पूरा, नहीं तो ये क्लास आपको मंडे को तो कंफर्म मिलेगी। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, मेरा मैथ का एक स्पेशल बैच आ चुका है, मैथ का स्पेशल बैच आया जो कि खास तौर पर ALP, आप इसको ऐसे समझो कि ALP के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जितने भी बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि उनके लिए ये बैच रामबाण होगा, इससे ज्यादा मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल पाऊंगा। और इसके लिए आप सारा का सारा जो चीजें पूछना चाहते हैं 9369880746 ये कॉन्टेक्ट नंबर है, सपोर्ट नंबर है हमारे यहाँ का, इस पर आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। फीस क्या है, वैलिडिटी क्या है, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, सारी जानकारी। चलिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।